जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर आज का इतिहास, यानी कि आज के दिन इतिहास में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी उसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। यहाँ पर देखिए, आज ही के दिन जो है 1918 में शिरडी के साईं बाबा ने त्यागा था शरीर। जी हाँ, सबका मालिक एक यानी कि साईं बाबा, जिन्हें भारतीय गुरु, योगी और फकीर के रूप में जाना जाता है। बताया जाता है कि शिरडी के साईं बाबा ने 15 अक्टूबर 1918 को अपना शरीर त्याग दिया था। साईं को हर धर्म में मान्यता प्राप्त है, हर धर्म के लोग उनके प्रति आस्था जो है रखते हैं। 15 अक्टूबर की अन्य प्रमुख घटनाएं देख लेते हैं। देखिए, 1240 में दिल्ली सल्तनत पर 1236 ईस्वी तक शासन करने वाली रजिया सुल्तान का निधन हुआ था। और यहाँ पर देखिए, 1931 में पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था 1931 में। और भी देखिए, 1932 में टाटा समूह ने पहली एयरलाइंस की शुरुआत की थी, इसका नाम टाटा सन्स लिमिटेड रखा गया था। फिर 1951 में आज ही के दिन जो है अमेरिका टेलीविज़न के हास्य धारावाहिक आई लव यू लूसी का प्रसारण हुआ था। और यहाँ पर देखिए, 1969 में आज ही के दिन जो है सोमालिया के राष्ट्रपति केबदी राशिद केली शेरमार्के की हत्या हुई थी। और 1987 में आज ही के दिन जो है बुर्किना फासो में सैनिक विद्रोह में शासन प्रमुख थॉमस संकारा का तख्ता पलट करने के बाद उनकी और उनके कुछ समर्थकों की हत्या की गई थी। और आज ही के दिन 1988 में उज्ज्वला पाटिल एक नौका में दुनिया की यात्रा करने वाली पहली एशियाई महिला भी बनी थी। 1993 में आज ही के दिन दक्षिण अफ्रीका के नेता नेल्सन मंडेला और FW क्लामार्क को रंगभेद को शांतिपूर्ण ढंग से खत्म करने और नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका की नींव रखने पर नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुना गया था। ये जो था आज का इतिहास, प्रमुख आज का इतिहास था कि आज के दिन कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी 15 अक्टूबर को। तो इस प्रकार जो है रोज़ की घटनाएं या इतिहास के बारे में कि आज के दिन कौन सा क्या इतिहास घटित हुआ था, तो क्या हुआ था इतिहास में, ये पढ़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। जय हिंद।